हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर है, उसका एक और टॉपिक लेके आए हैं। एकदम बहुत बढ़िया, मिठाई वाला, रसगुल्ले जैसा टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम होगा सोलिनॉइड। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने आपको बताया हुआ है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अगर आपके पास में स्ट्रेट वायर है, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा? अगर आपके पास में सर्कुलर वायर है, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कितना कैसा होगा? आप लोगों ने कभी ना कभी नाम सुना होगा सोलिनॉइड। आप लोगों ने सबने देखा होगा स्टूडेंट, कि जो मोटर होती है, मोटर में जो वायर्स होते हैं, कॉपर वायर होता है, उसके कई सारे गोल 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 राउंड लगाए जाते हैं। तो वो इतने सारे राउंड क्यों लगाए जाते हैं, उनसे क्या हो जाता है? तो इस वीडियो में हम आपको इन सारी बातों को बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। एक के साथ में क्या, जितने के साथ में शेयर करता हूँ उतने के साथ में शेयर कर लेना। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये सोलिनॉइड किस चिड़िया का नाम होता है। हैं? ये सोलिनॉइड, सोलिनॉइड हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं सोलिनॉइड क्या होता है। डायग्राम हमने आप लोगों के लिए बना रखा है एक बढ़िया सा, और इसी डायग्राम को हम बोलते हैं सोलिनॉइड का डायग्राम। देखिए, एग्जाम में आता है तो आप डायग्राम बनाइए एकदम बढ़िया तरीके से। इसमें है क्या, हमने एक वायर का, सर्कुलर वायर के कई सारे टर्न ले रखे हैं। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, एक कॉपर वायर लिया हमने, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसके कई सारे टर्न बना लिए। एक रॉड लीजिए और रॉड पे उसको रैप कर दीजिए, जिससे क्या बन जाएगा, कॉपर वायर एक किस फॉर्म में आ जाएगा, क्लोज टर्न की फॉर्म में आ जाएगा। और इसको जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, सोलिनॉइड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो हम लिख भी सकते हैं सोलिनॉइड, इट इज ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ओके। किसकी कॉइल होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। अच्छा, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब समझते हो ना आप लोग, ऐसा वायर जिसके ऊपर वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, जिससे हमको करंट का झटका ना लगे। अगर करंट लग जाता है तो बाल खड़े हो जाते हैं, आपने टीवी में देखा होगा। तो हमारे तो बाल पहले से ही खड़े हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बाल खड़े हो जाएं। इसलिए क्या था लेना है, इंसुलेटेड कॉपर वायर हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ओके। इसमें कई सारे क्या हैं, टर्न हैं। इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड। सबसे पहले तो आप सोलिनॉइड को समझिए कि सोलिनॉइड होता क्या है। एक वायर लीजिए, इससे पहले वीडियो में हमने एक लूप लिया था, अब आप क्या करिए, कई सारे लूप ले लीजिए। एक स्टील की रॉड लीजिए, उस पर कई सारे लूप को, एक वायर को रैप कर दीजिए, जिससे कई सारे लूप मिल जाएंगे। और इन लूप को पास पास कर दीजिए तो क्या होगा, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या कहता है, कि जब मैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रिक करेंट होगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक करेंट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब इलेक्ट्रिक करेंट होगा। इलेक्ट्रिक करेंट कहाँ से आएगा, बैटरी लगानी पड़ेगी आपको, सिंपल है। तो बैटरी लगाइए, बैटरी से करेंट पास होगा, और करेंट पास होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा, लेकिन इसका पैटर्न कैसा होगा? सिंपली आई कैन से द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। मीन्स क्या है, कि जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बार मैग्नेट का होता था, कर्व लाइन होती थी जो नॉर्थ पोल से निकलती थी और साउथ पोल में एंटर होती थी, बिल्कुल डिटो
वैसा ही पैटर्न होता है इसका एक सोलेनोइड का, करेक्ट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी नॉर्थ पोल से निकलेंगी, चलो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस फॉर्म में होंगी, कर्व की फॉर्म में होंगी, जो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर हो जाएंगी, करेक्ट। इस लाइन को लर्न करिए, द डायरेक्शन सॉरी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बार मैग्नेट का होता था, बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, किसका होता है, सोलिनॉइड का होता है। यहां पर हम एक बात और बताना चाहेंगे आप लोगों को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक वर्ड है हमारे पास में कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब हमने बार मैग्नेट का टॉपिक आप लोगों को बताया था, उस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स पर ज्यादा होती है एंड अदर पॉइंट्स पर कम होती है। द रीजन इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर एट पोल एंड फार अपार्ट टू ईच अदर एट अदर पॉइंट्स। दैट्स वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेंथेड एट पोल एंड वीकर एट अदर पॉइंट। बट हियर इनसाइड द सोलेनोइड, रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, इनसाइड द सोलेनोइड, ओके, वी कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, ओनली इनसाइड द सोलेनोइड, नॉट आउटसाइड द सोलेनोइड, करेक्ट। ओनली इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का सर क्या मतलब होता है, तो डियर माय फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पोल्स पर स्ट्रॉन्ग है, अदर पॉइंट पे वीक है, बट इनसाइड द मैग्नेटिक इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ना कहीं ना तो कहीं पर स्ट्रॉन्ग होगा और ना ही कहीं पर वीक होगा। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, आई कैन राइट इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज पैरेलल फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। पहले तो ये समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की लाइन शो करती है, जो लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे के, वो लाइन कैसी होती है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस इट मींस, आई कैन राइट इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, ओके। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो एक जैसी होगी, ना कहीं पर कम होगा और ना ही कहीं पर ज्यादा होगा। बट मोर पॉइंट इज दैट इनसाइड द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बट आउटसाइड द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइड द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बट आउटसाइड द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब
ये तो बात क्लियर हो गई कि सोलिनोइड क्या होता है, इतना सब राइट करो, हमने पॉज करो वीडियो को जल्दी से, 1 2 3 पॉज करो, इतना सब राइट करो। अब हमको अगर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना हो तो क्या आप बताएंगे हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनोइड, सोलिनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? इफ यस देन कमेंट कमेंट करिए कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एटलीस्ट एक पॉइंट तो आप मुझे बता ही सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हैं, चलो जल्दी बता दो फटाफट से। बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करेंट, ये पॉइंट हर जगह कॉमन है। कभी भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करना है, चाहे स्ट्रेट वायर हो, चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे सोलिनोइड हो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि करंट को ज्यादा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। सेकेंड थिंग, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जितने ज्यादा ये आप टर्न बनाएंगे, करेक्ट। यहां पर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट तो दिखाई नहीं है, चलो दिखा देते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, करेक्ट। आप ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा दीजिएगा, ओके हाँ। अगर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करना है, देन हाउ वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, एंड सेकंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, एंड थर्ड पॉइंट इज दिस, बाय टेकिंग सॉफ्ट आयरन एज सॉफ्ट आयरन रॉड एज ए कोर मटेरियल, ओके। अब सर ये कोर मटेरियल क्या होता है, जब आप इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न बनाएंगे तो एक रॉड लोगे, रॉड प्लास्टिक के लिए सकते हो, स्टील के लिए सकते हो। अगर आप वहीं पर एक सॉफ्ट आयरन रॉड लेते हो, कैसी रॉड लेते हो, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन मतलब क्या है, थोड़ा आयरन ऐसा हो। मार्केट में दो तरह का आयरन आता है, एक तो एकदम सॉलिड होता है, बहुत हैवी भी होता है जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा भी होती है, दूसरा होता है सॉफ्ट, ये जो टीन होती है आप छत पे डालते हैं, ये सॉफ्ट आयरन की होती है, करेक्ट। सॉफ्ट आयरन से मतलब ये मत समझना एकदम रसगुल्ले जैसा होगा, क्या सर इसको हम दबा सकते हैं, तो नहीं, ऐसा रसगुल्ले टाइप कुछ नहीं होगा, होगा सॉलिड ही। लेकिन आयरन की दो फॉर्म होती है, एक सॉलिड फॉर्म होती है और एक थोड़ा सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट से मतलब क्या है, वो होता सॉलिड ही है लेकिन बोला जाता है उसको सॉफ्ट। जैसे जो पाइप आती है, एक तो हैवी हैवी पाइप आती है, कुछ हल्की पाइप भी आती है, वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है। अगर आप सॉफ्ट आयरन ले रहे हो किस लिए, टर्न बनाने के लिए, वायर को रैप करने के लिए, तो उसको मैग्नेटाइज करना थोड़ा ईजी होता है इन कंपेरिजन विद अदर मटेरियल रॉड। अगर आप स्टील की रॉड लेते हो या प्लास्टिक की रॉड लेते हो तो उससे भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आप सॉफ्ट आयरन रॉड लोगे तो मैग्नेटाइज करना थोड़ा ज्यादा ईजी रहेगा, ओके। रीजन क्या है, आपको पूछोगे सर रीजन क्या है इस बात का, तो स्टूडेंट अभी हम इतना कहेंगे, अभी हम आपको 10th लेवल पे पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम आप लोग 11th और 12th में जाओगे तो कुछ चीजों के आंसर आप लोगों को अपने आप मिल जाए, करेक्ट। तो बात समझ में आ गई कि हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को सोलिनोइड में इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला ये पॉइंट हर जगह चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दीजिए। दूसरा, टर्न ज्यादा लीजिए, जितने ज्यादा टर्न लोगे सबका मैग्नेटिक फील्ड एडअप होता जाएगा, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चलेगा। तीसरा क्या होगा कि बाय टेकिंग सॉफ्ट आयरन रॉड एज अ कोर मटेरियल। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटा वीडियो है, एक ही टॉपिक को कवर करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।